गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा आप प्रीवियस क्लास के लास्ट टॉपिक को आप लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था टॉपिक हमारा, दो तरह के यूनिट सिस्टम को देखे थे, इनेट और एक्वायर्ड, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पोर्शन जो है वह इनेट इम्यूनिटी को कंप्लीट किया था। अगर इनेट इम्यूनिटी को हम रिकॉल कराएं तो वैसे इम्यूनिटी को इनेट इम्यूनिटी कहते हैं जो बाय बर्थ हमें मिलता है, जिसमें हम लोगों ने सारे चीज को इंक्लूड किया था, जिसमें फोर टाइप्स के बैरियर आए थे, फिजिकल बैरियर यानी हमारे बॉडी का स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकेंड में हमारा था फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम का होना, बाइल का सेक्रेशन, नोज में हेयर होना, सेरुमेन का होना, सेबम का, स्वेट में सेबम का होना, ये सारे जो है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर थे। उसके बाद में हमने देखा था सेलुलर बैरियर यानी नेचुरल किलर सेल, PMNL, प्लूरोमॉर्फिक न्यूक्लियर जो न्यूट्रोफिल था उसके बारे में हम लोगों ने देखा, मोनोसाइट और मैक्रोफाज, ये देखा था सेलुलर बैरियर में। और फिर था लास्ट में हमारा साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन एक केमिकल है जो अलग अलग लिम्फोसाइट से सिक्रिट होने वाले केमिकल को लिम्फोकाइन कहते हैं, उसी तरह से एक इंटरफेरॉन करके केमिकल है जो वायरल इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करता है और वह अपने नजदीकी सेल को उस वायरस के इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। अभी वायरस से हम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है, पूरा वर्ल्ड पीड़ित है, सब कुछ सफर कर रहा है, तो उसको आप समझिए कि वो इंटरफेरॉन क्या है, यानी किसी भी एक सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वह अपने नजदीकी सेल को बचाने के लिए एक केमिकल का सेक्रेशन करता है जिसका नाम है साइटोकाइन, और उस साइटोकाइन के टाइप का नाम है इंटरफेरॉन, जो पार्टिकुलरली वायरस के इन्फेक्शन से अपने नजदीकी सेल को बचाता है। तो यहां तक हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी को कंप्लीट किया था। इनेट इम्यूनिटी के बाद में अब हमें देखना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लेकिन उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पहले दो पॉइंट और हैं जो उससे अलग है लेकिन इंक्लूड उसी से है, ठीक है। तो एक है, जैसे सबसे पहले देखिए आप कोच पॉस्टुलेट, देखिए कोच पॉस्टुलेट क्या है। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले यह बताया कि डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया काउज डिजीज गिवन बाय रॉबर्ट कोच। तो बैक्टीरिया जो है वो डिजीज काउज करता है, ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने दिया, तो रॉबर्ट कोच ने दिया, और इन्हीं से रिलेटेड इन्होंने एक पॉस्टुलेट दिया, एक बताया जो, तो उसका नाम पड़ गया कोच पॉस्टुलेट। तो उसको देखिए, बैक्टीरिया कॉज डिजीज गिव रॉबर्ट कोच, किसने दिया, तो रॉबर्ट कोच ने, और इन्हीं से रिलेटेड जो पॉस्टुलेट मिले तो उसका नाम पड़ गया कोच पॉस्टुलेट। कोच पॉस्टुलेट में चार पॉइंट आते हैं, चारों पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे क्या क्या है। एक पॉइंट कहता है हमारा कि जो पैथोजेन है वह पैथोजेन एनिमल के बॉडी में होते हैं, जो भी एनिमल किसी डिजीज से सफर कर रहा है वह पैथोजेन उस एनिमल के बॉडी में होगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था कि जो पैथोजेन या जर्म है वो मस्ट बी कल्चर ऑन आर्टिफिशियल मीडिया या कल्चर मीडिया, तो जो पैथोजेन है उस पैथोजेन को आइसोलेट हम कर सकते हैं या करते हैं कहां से, तो उस कल्चर मीडिया से या आर्टिफिशियल मीडिया से, दो बातें हो गई। तीसरा बात था कि जब हम उस पैथोजेन को किसी हेल्दी एनिमल में ट्रांसफर करते हैं तो वो मस्ट बी डिजीज काउज करेगा। चौथा पॉइंट है कि जो डिजीज से सफर कर रहा है, जिसमें हमने ट्रांसफर किया है किसी हेल्दी एनिमल में, उस पैथोजेन को अगर ट्रांसफर किया, इंजेक्ट किया है, तो इंजेक्ट करेंगे तो वो डिजीज से सफर करेगा, अब दोबारा उससे हम लोग उस पैथोजेन को आइसोलेट कर सकते हैं।
तो यही चार पॉइंट जो है वो पोस्ट पॉस्टुलेट में आते हैं। फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो पहला पॉइंट कहता है हमारा कि जो पैथोजेन है, पैथोजेन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल्स बॉडी दैट सफरिंग फ्रॉम डिजीज, यानी कि उस जो एनिमल डिजीज से सफर कर रहा है वहां से हम लोग उसको आइसोलेट कर सकते हैं, करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि जो पैथोजेन है या जो भी जर्म है उनको हम लोग आइसोलेट करके कल्चर, यानी जो कल्चर या आर्टिफिशियल मीडिया होता है उस पर कल्चर करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि किसी हेल्दी पर्सन में हम उस पैथोजेन को इंजेक्ट करते हैं तो वह डिजीज कराएगा। और चौथा पॉइंट है कि जिसमें इंजेक्ट किया है वहां से दोबारा हम उस पैथोजेन को आइसोलेट कर सकते हैं उसके बॉडी से। तो यही चार इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो किसमें इंक्लूड होते हैं, तो वह इंक्लूड होते हैं पोस्ट पास्टुलेट में। इसी चार इंपॉर्टेंट बात को आपको याद में रखना है पोस्ट पास्टुलेट के बारे में। तो फर्स्ट हमने क्या बताया था कि पैथोजेन मस्ट बी फाउंड इन बॉडी ऑफ एनिमल, फर्स्ट पॉइंट ये पोस्ट पास्टुलेट का फर्स्ट पॉइंट, पैथोजेन मस्ट बी फाउंड ऑन, पैथोजेन मस्ट बी फाउंड ऑन एनिमल बॉडी दैट सफरिंग फ्रॉम डिजीज। जो डिजीज से सफर करने वाले एनिमल है उसमें से एनिमल को हम लोग पाते हैं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो कल्चर मीडिया है या जो आर्टिफिशियल मीडिया है वहां से हम लोग पैथोजेन को आइसोलेट कर सकते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड, दी ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड दैट ग्रो ऑन कल्चर मीडिया और आर्टिफिशियल मीडिया। ठीक, दो पॉइंट हो गए। अब इसके थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो हमारा थर्ड पॉइंट कहता है क्या बताया था अभी, रिकॉल कीजिए जो हम बोलने वाले हैं उसको आप खुद से रिकॉल कर सकते हैं। चारों पॉइंट को मैंने तभी आपको आसानी से याद रहेगा कि चीजों को कैसे हम याद रखेंगे कम टाइम में। तो डिजीज मस्ट बी प्रोड्यूस व्हेन कल्चर ऑर्गेनिज्म इंजेक्टेड इनटू अदर हेल्दी एनिमल, यही बताया था ना कि एक हेल्दी पर्सन में वो इंजेक्ट करेंगे तो उसे डिजीज कॉज करेगा। तो डिजीज must be produced, disease must be produced, must be produced when pathogen injected, when pathogen injected into a healthy person। अब हमने लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, द पैथोजेन मस्ट बी आइसोलेटेड, जो पैथोजेन को इंजेक्ट किए हैं इस बॉडी में हेल्दी पर्सन में वहां से हम दोबारा उसको आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जाएगा तो उस हेल्दी पर्सन में क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। जब डिजीज कॉज करेगा तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग वहां से आसानी से उसको ले सकते हैं। तो वही चीज है कि द सेम ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिकवर्ड, द
सेम ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम फ्रॉम डिजीज। सेम ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जो हमने ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट किया है, जिस पैथोजन को इंजेक्ट किया है उसी को आइसोलेट कर सकते हैं, ना कि हम किसी बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया है तो वहां से हमें फंगाई मिल जाएगा, नहीं, द सेम ऑर्गेनिज्म को हम लोग वहां से कर सकते हैं। अब देखो कि इस रोबोट कोच का जो पॉस्टुलेट था उसके कुछ एक्सेप्शन भी है, तो यानी कहां पे कोच पॉस्टुलेट फॉलो नहीं होता है एक्सेप्शन, तो कोच पॉस्टुलेट जो है वह दो जगह नहीं होता है फॉलो। जैसा कि आप जानते हैं लेप्रोसी एक डिजीज है, ठीक है ना, जो काउस होता है किसके वजह से, तो बैक्टीरियम लैप्री के वजह से, तो बैक्टीरियम लैप्री एंड वायरस, वायरस कभी भी किसी आर्टिफिशियल मीडिया पे कल्चर नहीं होता है, तो आर्टिफिशियल कल्चर पे नहीं आइसोलेट होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वह कोच पॉस्टुलेट को फॉलो नहीं किया। और उसी तरह जो है वह बैक्टीरियम लैप्री यानी जो लैप्रोसी को काउज करने वाला जो डिजीज काउज करने वाला पैथोजन है बैक्टीरिया, वह भी आर्टिफिशियल मीडिया पे कल्चर नहीं होता है। तो वायरस एंड लैप्रोसी काउजिंग बैक्टीरियम लेप्रोसी काउजिंग बैक्टीरिया बैक्टीरिया उसका क्या का नाम क्या है, तो बैक्टीरियम लैप्री डू नॉट ग्रो ऑन कल्चर मीडिया, तो ये दोनों चीज को फॉलो नहीं करते हैं। वायरस के बारे में जान जाओ, वायरस ओनली कल्चर इन लिविंग सेल, एक जो लिविंग सेल होगा उसी के अंदर ये कल्चर हो सकता है वायरस, जबकि बैक्टीरियम लैप्री कल्चर ऑन फुट ऑफ अर्माडिलो। अर्माडिलो क्या है, अर्माडिलो एक एनिमल का नाम है, तो उस अर्माडिलो के फुट पैड में यानी द फुट पैड ऑफ अर्माडिलो, अर्माडिलो मोबाइल वगैरह पर सर्च कर लीजिएगा दिखाई देगा, एक छोटा सा एनिमल होता है, ठीक है, और स्पाइरल होती है ना गिलहरी, उससे थोड़ा सा बड़े साइज का होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग अर्माडिलो, तो उसके फुट पैड में ही हम लोग बैक्टीरियम लैप्री को कल्चर कर पाते हैं। तो ये होगी आपका कौन सा रोबोट कोस्ट का पास्टुलेट क्या कहता है। रोबोट कोस्ट के पास्टुलेट के बारे में बाद में अब देखिए, थोड़ा सा आप देखते होंगे इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन और हमें आ जाता है कभी कभी फीवर, तो ये चीज क्या है उस चीज के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो ये इन्फ्लामेशन और फीवर ये भी जो दोनों पार्ट है वह इनेट इम्यूनिटी के ही हिस्सा है, ठीक है, वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं है, इनेट इम्यूनिटी में ही उसको रखते हैं। तो इंफ्लामेशन कहीं पर स्वेलिंग हो जाती है, चोट लगा या कहीं पे कोई जख्म होता है, तो वहां पे देखना तीन चीजों को नोटिस करना, वह एरिया में स्वेलिंग होगी,
वहां पर रेडनेस होगा और वो एरिया थोड़ा छूने में गर्म लगेगा। तीन चीज वही सिम्टम्स है इन्फ्लामेशन के, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन जो है वो तीन सिम्टम्स को दिखाता है। वो ऐसा होता क्यों है हमें इसी चीज को थोड़ा सा जानने का कोशिश करना है कि क्या है इन्फ्लामेशन और साथ ही साथ क्या है ये हमारा, क्यों वहां पर रेडनेस आता है और क्यों वहां पर ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इन्फ्लामेशन सबसे पहले समझो कि एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है बॉडी का। तो यहां पर टॉपिक देंगे हम लोग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज डिफेंसिव रिस्पॉन्स, इट इज डिफेंसिव रिस्पॉन्स टू डैमेज टिश्यू। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग, रेडनेस और वह एरिया वार्म होगा, गर्म होगा, ये तीन चीज। अब इन्फ्लामेशन होता क्यों है, हमारे बॉडी फ्लूइड में मास्ट सेल होता है, ठीक। जैसे ब्लड है तो ब्लड में, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो इसी बॉडी के ब्लड में मास्ट सेल होगा। तो जब कहीं पे चोट लगेगा, यहां पर मान लो हाथ में चोट लगा किसी चीज से, बड़े हथियार से किसी चीज से, इसे हमने इस पे वार किया, चोट लगा, तो यहां पर क्या होगा, ब्लड होगा। और उस ब्लड जब चोट लगा तो उस समय इस ब्लड में जो मास्ट सेल होंगे वह डैमेज होंगे। तो जो डैमेज मास्ट सेल है वह एक केमिकल का सेक्रेशन करता है जिसका नाम है हिस्टामिन। आप लोग पहले भी जानते होंगे हिस्टामिन के बारे में, हमने भी बताया है आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम में आया है हिस्टामिन। तो ये सब चीज आप जान रहे हैं। तो देखिए, तो यहां पर डैमेज मास्ट सेल सिक्रेट्स हिस्टामिन, वो क्या सिक्रेट करेगा, तो हिस्टामिन को। और ये हिस्टामिन जो है वो ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज को, ठीक है, वो क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, बढ़ा देगा उसके साइज को, विच डायलेट दी ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो जो भी कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स होंगे उनको क्या करेगा यह, तो उनको उनको डाइजेस्ट करने का मतलब उसकी साइज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो जो बढ़ गया है वहां पर मोर ब्लड फ्लो होगा और जिसकी वजह से एरिया जो होगा वह रेड एंड वार्म हो जाएगा और मोर ब्लड फ्लो, सो एरिया इज वार्म एंड रेड। तो वह एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो है वो वार्म एंड रेड हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। जब ब्लड कैपिलरी का साइज पहले मान लो इतना था और अब वो साइज बढ़ के इतना हो गया, थोड़ा बढ़ गया साइज, तो जब उसका साइज बढ़ेगा तो यहां पर वो साइज इंक्रीज करेगा तो क्या हो गया, स्वेलिंग करा देगा। तो डायलेशन होने की वजह से ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा तो वहां पर क्या आएगा, वह एरिया क्या रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ब्लॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, यानी आउटर सरफेस से अंदर का थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा, तो ज्यादा ब्लड आएगा तो यानी वार्मनेस ज्यादा होगी वहां पर और साथ ही साथ
स्वेलिंग का वजह जान गया कि ब्लड कैपिलरी वगैरह बढ़ गया। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा वहां पे जो पैथोजेन होंगे या वहां पे जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने में उसे मदद मिलेगी। ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, ज्यादा ब्लड आएगा तो वहां पे कोई अगर पैथोजेन जैसे घाव वगैरह हो गया है तो पैथोजेन होंगे तो उसको मारने में ज्यादा मदद होगी। तो ये चीज जो है वह हमें इसके बारे में बताता है कि आखिर क्यों इन्फ्लामेशन हुआ है। तो यहां तक ये बात जो है आप समझें, तो यानी कि जो स्वेलिंग हो गया उससे क्या होंगे, तो फ्लूड जो है वो ज्यादा फ्लो करेंगे, तो मोर ब्लड फ्लो हो गया एंड फ्लूड टेक आउट इन टू द टिश्यू स्पेस, जिसके वजह से जो टिश्यू का स्पेस है तो वहां पे आसपास आगे पीछे ज्यादा करेगा एंड टेक आउट इन टू टिश्यू स्पेस दैट हेल्प इन रिकवर ऑफ डैमेज। ठीक है, तो इसी को हम लोग इंफ्लामेशन। अब एक पॉइंट समझिए, फीवर बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो कोई भी जो पैथोजेन है उसका ग्रोथ कम हो जाता है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करता है, तो हमारे ब्लड में आप जानते हैं जो मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज रिलीज पाइरोजेन, पाइरोजेन एक केमिकल है, ठीक है, सब्सटेंस है, एंड ये पाइरोजेन जो है वो हमारे ब्रेन में जाकर के हमारे बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स कराने का काम करता है। डेट काउज डेट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अब फीवर मदद क्या करता है, फीवर हेल्प टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेन। तो फिर सोचते हो कि जैसे फीवर हमें मदद करता है, फीवर से अच्छा दोस्त ही नहीं होता है। फीवर और दर्द ये हमारे सबसे सच्चे फ्रेंड हैं, बाकी आपका फ्रेंड साथ छोड़ सकता है लेकिन फीवर और दर्द जो है वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब तक फीवर नहीं होगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो देखो जब फीवर आता है तो उसे पैथोजन के ग्रोथ को रोका जाता है, यानी बॉडी हमारा जो है वो पैथोजन के ग्रोथ को रोकता है। और फिर अब दिमाग में आपकी बात आ रही है सर फिर फीवर का टैबलेट क्यों खाते हैं फीवर को कम करने के लिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे बॉडी के इंटरनल फिजियोलॉजी जो है वह डिक्रीज हो जाएंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन रुक जाएगा जिसकी वजह से हमें वीकनेस वगैरह ज्यादा लगती है, तो उसका फैक्टर यही है। तो ये सारी चीजों को हम समझ गए, ओके। अब आइए देखेंगे हम लोग, यहां तक की बात हो गई, तो फीवर समझ गए, इन्फ्लामेशन समझ गए और पोस्ट पास्टुलेट समझ गए। अब हेडिंग देंगे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तीनों एक ही नाम है और उसी तीनों को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नाउ आवर हेडिंग इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इसी को हम लोग कहते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इसको कहेंगे हम लोग अडैप्टिव इम्यूनिटी। जैसा आप जानते हो कि जो इम्यूनिटी बाय बर्थ हमारे बॉडी में डेवलप होता है उसको कहते हैं हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडैप्टिव इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी हमारे जन्म लेने के बाद अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट
मान ले कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में गया तो उससे लड़ने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए। इतने डिफेंसिव मैकेनिज्म होने के बाद ही बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है और हमारे स्टमक के एसिडिक मीडियम को भी झेल लिया, बाइल से भी बच गया, तब उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर जो नए नए इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव, जो हमारे बर्थ होने के बाद में यह इम्यूनिटी डेवलप किया है, न कि वो बाई बर्थ आया है। ठीक है, तो इस इम्यूनिटी में हम लोगों को देखना है कि कैसे कोई पैथोजेन या वायरस के एंटर करने के बाद में हमारा जो बॉडी है उससे फाइट करता है। एक्चुअल इम्यूनिटी यही है। इस चैप्टर का जो सबसे मेन पार्ट जो है वो अब हम लोग अब देखेंगे। ऐसे तो सभी पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, बट एक्चुअल जो कंसेप्चुअल पार्ट है जिसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करेंगे और देखेंगे, तो वह इसी पोर्शन में है। तो सबसे पहले डेफिनेशन दे देंगे हम लोग, तो इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ कॉल अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक डाल लूं, अब हमारा मार्कर जो है बहुत फीका लिख रहा है। इस इम्यूनिटी में जो है वो हम लोग क्या देखेंगे मालूम आपको, इस इम्यूनिटी में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा बी लिम्फोसाइट, कैसे हमारा टी लिम्फोसाइट, क्या एंटीबॉडी क्या एंटीजन कैसे एक्चुअल में फाइट करते हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, ये सारी बातें जो है वो इसी में इंक्लूड होने वाली है। तो पूरा बी लिम्फोसाइट, पूरा का पूरा टी लिम्फोसाइट, ये सारा जो चीज है वह इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो यह जो इम्यूनिटी है वो मेडिएट होता है किससे, तो यह इम्यूनिटी जो है मेडिएट होता है लिम्फोसाइट से, यानी एंटीबॉडी और टी सेल से। ठीक है, इट इज मेडिएटेड बाय एंटीबॉडी एंड लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट से और एंटीबॉडी से यह मेडिएट होता है। उसके बाद में देखो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, तो इसके क्या क्या कैरेक्टर है। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पहला जो कैरेक्टर है इसका, चार कैरेक्टर हम लोग देखेंगे। एक है स्पेसिफिसिटी, ठीक, दूसरा जो है वो डाइवर्सिटी, तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और लास्ट कैरेक्टर है मेमोरी। ओके, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी क्या बताता है, स्पेसिफिसिटी बताता है कि जैसे बैक्टीरिया बहुत सारे तरह का है, वायरस भी बहुत सारे तरह के हैं, तो वो अलग अलग जो पैथोजेन है या अलग अलग जो फॉरेन मॉलिक्यूल है उनको डिफ्रेंशिएट करने की जो एबिलिटी है उसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिसिटी। तो इट इज क्या है, इट इज एबिलिटी टू
डिफ्रेंशिएट एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल। फॉरेन मॉलिक्यूल का मतलब बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है और जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, दैट इज फॉरेन मॉलिक्यूल। फॉरेन मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स में जब भी फॉरेन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मान के चलना वो पैथोजेन की बात हो रही है। फॉरेन मॉलिक्यूल लिखने से ये होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी और जो बैक्टीरिया वायरस है वो भी, तो वो सब इंक्लूड हो जाते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की यह कैरेक्टर है कि वह डिफ्रेंशिएट करता है कि यह अलग अलग टाइप के जो फॉरेन मॉलिक्यूल है उनको डिफ्रेंशिएट कर देता है कि यह किस टाइप का फॉरेन मॉलिक्यूल है, ठीक। उसके बाद में देखिए डाइवर्सिटी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया अगर है तो एक बैक्टीरिया, बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया है, कोई एक तरह का बैक्टीरिया नहीं है, और अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, हमें डिजीज करते हैं। तो उसी को रिकॉग्नाइज करने का जो काम है वह कौन करता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी करता है। तो यही इसका एक अपना कैरेक्टर है, तो इट कैन रिकॉग्नाइज इट कैन रिकॉग्नाइज वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल या फॉरेन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। अब आई बात डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्स एंड नॉन सेल्स। अभी मैं बोलूं किसी को कि बेटा तुम खड़ा हो उसको पीटो, और वहां से मैं उसको वट हटा दूं, या मैं बोलूं राम खड़ा हो गया और बोलूं कि राम पीटो, पहला क्वेश्चन क्या आएगा उससे, किसको पीटे, पूछा ना आपने। मैं बोलूं आपको कि ए तुम पीटो, पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, किसको, अगर पीटना भी है तो किसको पीटना है। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर का जो एंटीबॉडी है, जो हमारे बॉडी में बना है एंटीबॉडी, उसका काम है फाइट करना। तो पहला सवाल आएगा कि किससे फाइट करना, यस किससे फाइट करना, न कि हमारे बॉडी के अपने ही ऑर्गन से फाइट करना। फाइट करने का मतलब है कि जो दुश्मन है उससे फाइट करना है। हमारा आर्मी है वो टेररिस्ट से फाइट करता है, पुलिस चोर से फाइट करता है, तो वहां पे एक वर्ड लगा है टेररिस्ट और चोर, तो ये क्या हुआ, उसको पता है कि उसको किससे फाइट करना है। उसी तरह हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बना है यानी जो इम्यूनिटी है हमारा, वह डिस्क्रिमिनेट करता है कि कौन हमारे बॉडी का अपना है और कौन हमारे बॉडी का फॉरेन पार्टिकल है। डिफ्रेंशिएट सेल बॉडी सेल एंड फॉरेन पार्टिकल टू फाइट अगेंस्ट दिस फॉरेन मॉलिक्यूल। उसके बाद में बात आई मेमोरी की। मेमोरी कहने का मतलब क्या हो गया, तो अगर आज हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज हुआ है और हम एंटीबायोटिक वगैरह खा करके ठीक हुए हैं, ठीक, दोबारा से वो पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अब आप सोचेंगे सर फिर भी बीमार पड़ जाते हैं, तो वहीं पे टर्म आती है इम्यूनिटी। तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी यानी उसके अंदर में बी सेल मेमोरी सेल अच्छे से है, स्ट्रांग है वह, तो वह क्या करेगा, आपको बचा के रखने का काम करेगा, यही तो इम्यूनिटी है। तो वो कैसे जानेगा कि इस तरह का अटैक आने वाला है, तो उसके अंदर वो मेमोरी सेव हो जाती है
जैसे आप अपने लैपटॉप में या कोई चीज सेव करके रखते हैं मेमोरी में, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी सेल होते हैं, बी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल, अभी आगे पूरा आएगा। तो मेमोरी कहने का मतलब कि उस तरह का दोबारा अगर अटैक आएगा तो उससे प्रोटेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वैसे टाइप का मेमोरी जो है वह हमारा बॉडी स्टोर करके रखता है कि दोबारा से उस तरह का कोई अगर अटैक आए तो उसको आसानी से वह क्या करे, इनकाउंटर कर सके, उसके साथ फाइट कर सके। तो कीप मेमोरी फॉर फर्स्ट इनकाउंटर, कीप मेमोरी फॉर फर्स्ट, कीप मेमोरी फॉर फर्स्ट इनकाउंटर दैट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट, दैट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजेन और सेकेंड टाइम्स। तो ये चार कैरेक्टर हो गए किसके, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। ये चार कैरेक्टर जो आप जाने की स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन और ये जो मेमोरी है, इस तरह से उसको हेल्प करते हैं। अब आइए देखते हैं बात थोड़ा सा, ऐसे तो आप जान रहे होंगे बट फिर भी एक बार रिकॉल आपको हम कराएंगे कि ये क्या मेमोरी कैसे बनता है और कैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना। देखिए आप जानते हो कि ब्लड जो है वो हमारे बोन मैरो में बनता है, ओके। बोन मैरो में जो हमारा ब्लड बना, सारे ब्लड जो है वह एक पार्टिकुलर सेल से बनते हैं जिसका नाम है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक। ऐसे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल या प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, स्टेम सेल का मतलब है कि जो सेल डिफरेंशिएट नहीं है। तो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जितने भी तरह के ब्लड है वह एक ही टाइप के सेल से बन के आते हैं जिसका नाम है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल या हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जिसे HSC भी बोलते हैं, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल। तो ये देखो, अगर ये हमारा ये हो गया बोन मैरो, ओके, ये क्या हो गया बोन मैरो। इस बोन मैरो में जो सेल बनता है पहले, ठीक है ना, उस सेल का नाम है माइलोइड स्टेम सेल। यह सेल बन गया, ये हो गया माइलोइड स्टेम सेल, या इसी को कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, माइलोइड स्टेम सेल या फिर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये फिर कन्वर्ट होगा, अगर जरूरत है बॉडी को लिम्फोइड सेल की तो ये लिम्फोइड सेल में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये बन जाएगा, मान लीजिए थोड़ा छोटा छोटा करेंगे, लंबा है, तो ये बन गया लिम्फोइड सेल में, ये क्या बन गया लिम्फोइड सेल। यही लिम्फोइड सेल, जैसे कि यहां से ये जो माइलोइड स्टेम सेल या प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, यहीं से डब्ल्यूबीसी सारे तरह के बनेंगे, इसी से आरबीसी भी बन सकता है और इसी से प्लेटलेट भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी में अभी जरूरत किसकी है। अगर बॉडी में आरबीसी की जरूरत है, यहां से तुरंत आरबीसी बना के भेज देगा। अगर जैसे यहां पे हम देखा है लिम्फोइड स्टेम सेल, ये लिम्फोइड सेल, तो यहां बॉडी में जैसे ही लिम्फोइड सेल की जरूरत होगी, ये तुरंत क्या बना दिया, ये लिम्फोइड स्टेम सेल बना देगा। लिम्फोइड स्टेम सेल या लिम्फोइड सेल कहने का मतलब, स्टेम सेल यहां तक इसे लगाएगी कि यह फिक्स नहीं है कि बी लिम्फोइड है कि टी लिम्फोइड है, तो हम क्या बोल देंगे लिम्फोइड स्टेम सेल।
ये लिम्फॉइड स्टेम सेल एक बना देगा या एनके सेल नेचुरल किलर सेल। जैसा कि आप जानते हैं, आपको लिखाया भी था मैंने कि एनके सेल का मतलब नेचुरल किलर सेल इज ए लिम्फॉइड सेल। अब यहां पे ये बन गया प्री मैच्योर बी सेल, यहां पे बन गया प्री मैच्योर टी सेल, ठीक है ना। ये बी सेल और टी सेल बन गया। प्री मैच्योर बी सेल का प्रोसेसिंग जो है प्रोसेसिंग इन गुस्सा इन बर्ड एंड गट में या फिर बोन मैरो इन एनिमल, या बाकी एनिमल्स में कि बोन मैरो में ही मैच्योर होता है कौन बी सेल, जबकि प्री मैच्योर टी सेल का प्रोसेसिंग यानी मैच्योरेशन का काम प्रोसेसिंग इन थाइमस, तो टी फॉर थाइमस टी फॉर टी सेल, इसीलिए इसका नाम पड़ा है टी सेल। बी फॉर बोन मैरो यानी बी फॉर गुर्सा एंड बी फॉर बी सेल, इसलिए इसका नाम पड़ा है बी सेल, ठीक है, प्रोसेसिंग इन थाइमस। अब ये जो टी सेल है ये तीन तरह का टी सेल बन जाएगा जब मैच्योर होगा, तो यहां पर मैच्योर होगा कि अब ये क्या बन गया यह टी सेल हो गया, और यही यहां पर बी सेल मैच्योर होकर के क्या हो गया प्री मैच्योर से अब बी सेल हो गया। अब जब जरूरत पड़ेगी तो एक पैथोजेन का इंफेक्शन होगा तो टी सेल तीन तरह के टी सेल में बट जाएगा, ठीक है। एक होगा साइटो टॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसी को इस तरह से टीसी सेल भी लिखते हैं। दूसरा टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल, और तीसरा टी हेल्पर सेल। तो इसको इससे इस तरह से और इसको इस तरह से दिखाते हैं, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल और हेल्पर टी सेल। तो टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं, टी मेमोरी सेल भी बोलते हैं और टी साइटोटॉक्सिक सेल भी बोलते हैं। जबकि बी सेल दो तरह का बनता है, ठीक, एक बन जाएगा बी मेमोरी सेल और दूसरा बनेगा बी प्लाज्मा सेल। बी मेमोरी सेल यही मेमोरी को स्टोर करके रखता है, यहां पर टी मेमोरी सेल उसको कोई भी पैथोजेन के मेमोरी को स्टोर करके रखता है। अब यहां पर देखो ये जो है बी प्लाज्मा सेल ये क्या बनाएगा, तो एंटीबॉडी बनाएगा, क्या बनाएगा एंटीबॉडी बनाएगा। इसीलिए इस इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्या बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे। तो यहां पर बी सेल मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी और जो टी सेल से मेडिएट होने वाला है, यहां पे हम ये शॉर्ट फॉर्म मिटा रहे हैं, तो यानी यहां पर लिख देते हैं इसको हम टीएम, इसको टीएच और इसको, ठीक है, कहीं पर आपको सीटीएल भी लिखा रहता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, एक ही चीज हुआ सीटीएल साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ठीक। और टी सेल से होने वाले इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं
सेल मेडिएट इम्यूनिटी, सेल मेडिएट इम्यूनिटी। अब यहां पर जो बी प्लाज्मा सेल है, हम क्या बताएं कि यह एंटीबॉडी को बनाता है और इसको बनाने के लिए मदद कौन करेगा, क्या नाम पड़ा इसका, हेल्पर सेल। तो उसको बनाने में मदद कौन हेल्प करेगा, तो टी हेल्पर सेल करता है। तो यहां पे ये चीज आपको हम दिखाते हैं, तो इसको मदद ये जो टी हेल्पर सेल है ये क्या करेगा, ये मदद करेगा किसको, तो ये मदद करेगा इसको, हेल्प प्लाज्मा सेल फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में टी हेल्पर सेल मदद करेगा बी प्लाज्मा सेल को, किसके लिए, एंटीबॉडी को बनाने के लिए। तो ये जो पूरा बात हो गया, या एक तरह से हम लोगों ने पूरा देखा किसका, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट को देख रहे हैं हम लोग। तो यानी यहीं से अब आप समझो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट इंक्लूड होते हैं। तो जो टॉपिक ही हमारा होगा द कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन कौन से कंपोनेंट है, तो टू कंपोनेंट, सेल मेडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये दो कंपोनेंट है किसके, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। अगर ऊपर से डायग्राम हो गया है तो नेक्स्ट यहां पर देखिए, अब आप तो हमारा हेडिंग ही क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड, ये पूरा डिटेल चल रहा है। तो एक कंपोनेंट कौन सा है, एक कंपोनेंट है हमारा ह्यूमोरल, इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएट इम्यून सिस्टम, या इसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक ही बात है, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, AMIS, एंटीबॉडी मेडिएट इम्यून सिस्टम। और सेकेंड जो टॉपिक है हमारा, यानी सेकेंड कंपोनेंट क्या है, तो सेकेंड कंपोनेंट है सेल मेडिएट इम्यूनिटी सिस्टम, यानी इसको बोलते हैं CMIS, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट अब हम लोग बारी बारी देखेंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट इज एंटीबॉडी मेडिएट इम्यून सिस्टम, या इसी को कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या आया है, इधर क्या नाम दिए हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इधर लिखे हैं, तो बी सेल से रिलेटेड जितना भी बात होगा दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और टी सेल से रिलेटेड जितना भी बात होगा तो वह सेल मेडिएट इम्यूनिटी। अब क्यों कहते हैं ह्यूमोरल और क्यों या सेल मेडिएट हुआ वो आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो पहले यहां तक की बातों को आप कवर कीजिए, इसके बाद की बातें हम आगे देखेंगे, ओके।